पीएम मोदी अपने एक दिवसीय दौरे को लेकर आज वाराणसी पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने DLW में 10,000 हॉर्स पावर के इंजन का लोकार्पण किया। वहीं जब पीएम मोदी धीरेका परिसर ग्राउंड में पहुंचे, तो उन्होंने वहां मौजूद दिव्यांग महिलाओं से भी मुलाकात की। रखता है जो हौसला आसमान छूने का, उसको नहीं होती परवाह गिर जाने की। दुनिया में हर चीज ठोकर खाकर टूट जाया करती है, बस एक सफलता ऐसी चीज है जिसे ठोकर खाकर प्राप्त किया जा सकता है। खुशी इस बात की है कि हम लोगों को उन्होंने इतना समय दिया और मेरी हर एक बात जो मैंने कहनी चाहिए उन्होंने बहुत अच्छे से सुना है। और मुझे खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतना हम लोगों के लिए समय देते। मैं वैसे दिव्यांग हूँ नहीं, दहेज के कारण मुझे दिव्यांग बनाया गया। इसके कारण मेरे ससुराल वालों ने मुझे छत से ऊपर से नीचे फेंक दिया था, जिसकी वजह से मैं 17 साल बेड पे रही और आज मैं खड़ी हुई। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की तो क्या कैसा लगा? बहुत बढ़िया। क्या 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 बात हुई है आपकी? हाँ, वो सांत्वना दिया और बोले कि हम इंट्रोडक्शन कार्रवाई करेंगे। मैंने बताया कि कंडीशन बढ़िया नहीं है, इंटरनेशनल जूता बनाना पड़े, लेकिन पेंटिंग की सुविधा नहीं है और भी लोग आगे बढ़ सकते। फिर उन्होंने क्या बोला उसके बारे में सोचेंगे, बताएंगे आपको कुछ करेंगे।